गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम अपना ये प्ले स्टार्ट करने वाले हैं जो आपका टर्म वन में है, दैट इज़ अ बास्केट फुल ऑफ सी ट्राउट। ठीक है, तो जैसा पहले भी मैंने आपको बोला है कि हमारे प्रोज और प्ले में क्या फ़र्क होता है, तो मैंने कहा था उसमें कहानी होती है, इसमें भी कहानी ही होती है, लेकिन उसमें कहानी बोली जाती है और इसमें जो मतलब इसको हम एक्ट कर सकते हैं। जब हम इसको पढ़ते हैं तो हम इसको कैसे पढ़ते हैं, इसमें दिया होता है हमारे को प्ले में कि मतलब किस एक्टर की कौन सी लाइन है, उसने कैसे एक्सप्रेशंस दिए, और पूरा जो सेटअप होता है वो बिल्कुल हमारे को पढ़ने से पता चलता है कि मतलब अगर कोई रूम का सेटअप है तो अगर रूम में जो फर्नीचर लगा हुआ है वो कैसे प्लेस्ड है, जो कैरेक्टर्स हैं वो कहाँ पे खड़े हैं, और कैरेक्टर्स का प्रॉपर उनका जो फिज़िकल अपीयरेंस होती है वो भी दिखाई बताई जाती है कि जो कैरेक्टर है उसके बाल कैसे हैं, उसकी आँखों का रंग कैसा है, उसके चेहरे का रंग कैसा है, उसका फेस गोल है या लंबा है, उसकी बॉडी कैसी है। तो मतलब एक एक छोटी छोटी डिटेल का हम प्ले में बिल्कुल जो राइटर्स होते हैं वो ख्याल रखते हैं, और स्टोरी जो हम प्रोज पढ़ते हैं उसमें कहानी लिखी गई होती है, हम उसको पढ़ लेते हैं, उसमें इतना ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दिया होता है। इन शॉर्ट आप ये बोल सकते हैं कि वो जो प्रोज होता है वो कहानी सुनाई जाती है, और ये जो है इसमें इसको पढ़ने से ही हमारे को सारे विजुअल्स आँखों के सामने आते हैं। ठीक है, तो मतलब मानिए कहानी दिखाई जा रही हो। ठीक है, सो नाउ दिस इज़ योर अ बास्केट फुल ऑफ सी ट्राउट, इट्स ऑन पेज नंबर 116। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम अपना ये प्ले स्टार्ट करने वाले हैं जो आपका टर्म वन में है, दैट इज़ अ बास्केट फुल ऑफ सी ट्राउट। ठीक है, तो जैसा पहले भी मैंने आपको बोला है कि हमारे प्रोज और प्ले में क्या फ़र्क होता है, तो मैंने कहा था उसमें कहानी होती है, इसमें भी कहानी ही होती है, लेकिन उसमें कहानी बोली जाती है और इसमें जो मतलब इसको हम एक्ट कर सकते हैं। जब हम इसको पढ़ते हैं तो हम इसको कैसे पढ़ते हैं, इसमें दिया होता है हमारे को प्ले में कि मतलब किस एक्टर की कौन सी लाइन है, उसने कैसे एक्सप्रेशंस दिए, और पूरा जो सेटअप होता है वो बिल्कुल हमारे को पढ़ने से पता चलता है कि मतलब अगर कोई रूम का सेटअप है तो अगर रूम में जो फर्नीचर लगा हुआ है वो कैसे प्लेस्ड है, जो कैरेक्टर्स हैं वो कहाँ पे खड़े हैं, और कैरेक्टर्स का प्रॉपर उनका जो फिज़िकल अपीयरेंस होती है वो भी दिखाई बताई जाती है कि जो कैरेक्टर है उसके बाल कैसे हैं, उसकी आँखों का रंग कैसा है, उसके चेहरे का रंग कैसा है, उसका फेस गोल है या लंबा है, उसकी बॉडी कैसी है। तो मतलब एक एक छोटी छोटी डिटेल का हम प्ले में बिल्कुल जो राइटर्स होते हैं वो ख्याल रखते हैं, और स्टोरी जो हम प्रोज पढ़ते हैं उसमें कहानी लिखी गई होती है, हम उसको पढ़ लेते हैं, उसमें इतना ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दिया होता है। इन शॉर्ट आप ये बोल सकते हैं कि वो जो प्रोज होता है वो कहानी सुनाई जाती है, और ये जो है इसमें इसको पढ़ने से ही हमारे को सारे विजुअल्स आँखों के सामने आते हैं। ठीक है, तो मतलब मानिए कहानी दिखाई जा रही हो। ठीक है, सो नाउ दिस इज़ योर अ बास्केट फुल ऑफ सी ट्राउट, इट्स ऑन पेज नंबर 116। जब आप ये वीडियो आपके पास पहुँचेगा तो यू शुड ओपन योर बुक, आप अपनी किताब खोलेंगे और बिल्कुल जैसे मैंने लाइन वाइज में यहाँ से पढ़ूँगी तो आप इसको लाइन वाइज ही अपनी बुक खोल के इसको समझेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले देखिए, हम अपनी बुक में भी देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पे कैरेक्टर्स, मतलब हम कौन कौन सा कैरेक्टर हमको इसमें मिलेगा, मतलब जैसे हम मूवी देखते हैं तो सबसे पहले कास्ट में आता है ना, हीरो कौन है, हीरोइन कौन है, स्टोरी किसने लिखी है, विलन कौन है इसमें, म्यूज़िक किसने दिया है इसमें, गाने किसने गाए हैं। तो ठीक है, तो सेम यहाँ पे जब हम ये प्ले पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमारे को ये कैरेक्टर्स दिए हैं कि इस प्ले में हम कौन कौन सा कैरेक्टर जो है उसके मतलब कौन कौन सा कैरेक्टर इसमें प्ले कर रहा है। ठीक है, सो द फर्स्ट कैरेक्टर इज़ The Honorable Lord Findhorn, a Scottish Judge. ठीक है, तो सबसे पहला जो करेक्टर है, या तो आप Scottish Judge याद रखेंगे या Lord Findhorn याद रखेंगे। ठीक है, तो ये पहला करेक्टर है हमारा इस स्टोरी का, इस प्ले का rather. Then second character is William Brodie of Alton, a Scottish Landlord. ठीक है, आप इसको Scottish Landlord के तौर पे भी याद रख सकते हैं, या फिर विलियम के तौर पे भी, या फिर विलियम ब्रॉडी के तौर पे, या आप ब्रॉडी भी याद रख सकते हैं इसमें, कि जो दूसरा कैरेक्टर है वो क्या है, विलियम ब्रॉडी है, और वो क्या है, वो लैंडलॉर्ड है, मतलब
उसकी वो किसी कहीं का मालिक है, ज़मीन का, मकान का मालिक है। और ये जो है हमारे पहले करेक्टर लॉर्ड फिंडहॉर्न, वो क्या है, जज है, स्कॉटिश जज है। तो ये आपको याद रखना है कि कौन सा करेक्टर और क्या काम कर रहा है, ठीक है। देन इज़ नेक्स्ट जीन लोमोंड, दिस इज़ अ पीजेंट वुमन। ये मतलब एक गरीब औरत जो मजदूरी मशक्क़त करके अपना घर चलाती है। सो दिस इज़ जीन लोमोंड, ये भी आपको याद रखनी है। एंड देन इज़ कर्नल लाइनल एल्ड्रिस, चीफ कांस्टेबल। और इसमें एक करेक्टर जुड़ रहा है, दैट इज़ चीफ कांस्टेबल है वो। आप चीफ कांस्टेबल भी याद रखेंगे कि चौथा करेक्टर हमारा चीफ कांस्टेबल है, और उसका नाम क्या है, कर्नल लाइनल एल्ड्रिस उसका नाम है, ठीक है। सो ये मेन चार करेक्टर्स हमारे को यहाँ पे दिख रहे हैं, पहले जो स्कॉटिश जज हैं, दूसरे जो लैंडलॉर्ड है, तीसरी एक पीजेंट वूमेन है, और चौथा जो है दैट इज़ चीफ कांस्टेबल, ठीक है। गॉट इट। Now about now we will be reading here the scene, कि मतलब अब जो सीन शुरू हो रहा है उसमें क्या दिखाया जा रहा है, मतलब ये जहाँ पे हो रहा है ये सीन, उसका व्यू कैसा है, उस रूम का व्यू कैसा है, कहाँ पे है, ठीक है, कौन कौन है इस टाइम करेक्टर, कौन कौन सा प्रेजेंट है। सो बिल्कुल ध्यान से आप सुनेंगे इसको। द सीन ऑफ द प्ले इज़ द हॉल ऑफ अ स्मॉल शूटिंग एंड फिशिंग लॉज। तो ये जो सीन है यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले हैं, ये कहाँ का सीन है, ये एक स्मॉल शूटिंग एंड फिशिंग लॉज का है। मतलब यहाँ जो ये लॉज है, ये जो छोटा सा घर है, ये जो कमरा है, मतलब इसमें दो तीन रूम्स हैं, एक लॉज टाइप है। और ये यहाँ पे क्या करने आते हैं लोग, यूजुअली ये फ़िशिंग के काम में आता है, मतलब वहाँ पे रहते हैं, फ़िशिंग करते हैं या शूटिंग करते हैं, जो निशानेबाजी करते हैं, ठीक है। सो द प्रॉपर्टी ऑफ लार्क फिंडहॉर्न इन अ लोनली वैली। तो ये किसकी प्रॉपर्टी है, लार्क फिंडहॉर्न की, किसकी है ये, यहाँ पे लिखा है लार्क फिंडहॉर्न की है ये प्रॉपर्टी, ठीक है। सो इट्स इन अ लोनली वैली इन द वेस्ट हाईलैंड्स। और ये कहाँ पे है, अकेले जगह पे है, मतलब वहाँ पे एक शोर शराबा नहीं है, इतने सारे घर नहीं है वहाँ पे, ठीक है। एक वैली है, एक वादी है वेस्ट हाईलैंड्स की, वहाँ पे ही ये उसका घर है, घर है मतलब एक छोटा सा लॉज है। सो लॉज मतलब जहाँ पे हम दो चार दिन, पाँच दिन, आठ दिन तक रह सकते हैं, और फिर मतलब वहाँ पे इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती हैं। इट इज़ स्पार्सली फर्निश्ड, मतलब बिल्कुल थोड़ा सा फर्निश किया गया है, इतना ज़्यादा जैसे हम अपने घर को डेकोरेट करते हैं, उसको प्रॉपरली फर्निश करते हैं, स्पार्सली मतलब बहुत कम, जितना ही ज़रूरत है उतना ही, बिल्कुल कम फर्निश किया गया है उसको। द एटमोसफियर इज़ वन ऑफ लोनलीनेस बॉर्डरिंग ऑन द ईरी। तो मतलब एटमॉस्फेयर जो है जहाँ मतलब ये सीन बन रहा है, तो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, मतलब वहाँ का जो समा है वो कैसा है, एकदम ईरी है, लोनलीनेस है, मतलब अंधेरा, ऐसे जैसे एकदम सन्नाटा है, डरा देने वाला सन्नाटा है वहाँ पे, ठीक है। सो देयर आर टू डोर्स, वन सी लीडिंग डायरेक्ट टू द आउटसाइड। देखिए ये डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं सारी, यही मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि जो प्ले है वहाँ पे एक एक छोटी छोटी डिटेल दी गई है। तो दो दरवाजे हैं, एक जिसका नाम सी रखा हुआ है, डोर सी लीडिंग डायरेक्ट टू द आउटसाइड एंड अनदर एल। एक जो दरवाज़ा है दैट इज़ सी, जो सीधे बाहर को जाता है, और दूसरा दरवाज़ा जो है दैट इज़ एल लीडिंग टू अनदर रूम, वो दूसरी कमरे को तरफ खुलता है, ठीक है। मतलब एक रूम है उसमें दो दरवाजे हैं, एक सी है जो कि बाहर की तरफ खुलता है, मतलब उससे हम बाहर पहुंचेंगे आंगन में, और जो दूसरा दरवाज़ा है वहाँ से हम दूसरे रूम में एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। सो यूज्ड बाय द ओनर एज अ स्टडी, और वो कमरा जो है, वो जो ओनर है फिंडहॉर्न है, उसकी स्टडी है, मतलब लाइब्रेरी है, जब उसको अपना कोई बुक पढ़नी होती है या अपने जो केसेस स्टडी करने होते हैं तो वो वहाँ पे जाके वो चीज़ वो काम कर लेता है, ठीक है। सो टेलीफोन आर, अब आर जो है ये किसको डिनोट कर रहा है, टेलीफोन को। सो टेलीफोन आर है, साइड बोर्ड ऑन आर, वहाँ पे टेलीफोन भी है साइड में, और एक साइड बोर्ड भी है विद जग एंड टू ग्लासेस। और क्या रखा हुआ है वहाँ पे, एक जग है और दो ग्लास भी रखे गए हैं। देखिए कितनी छोटी छोटी डिटेल बताई जाती है प्लेज में। नाउ लॉर्ड फिंडहॉर्न
इज सीटेड एल. लॉर्ड फिनहॉर्न कहाँ पे बैठा हुआ है, सीटेड कहाँ पे है, एल. एल क्या है, एल इज वो दरवाज़ा जो स्टडी की तरफ जाता है, मतलब उसकी वो जहाँ पे बैठा है वो उस दरवाजे के पास बैठा है. बाई टेबल इन सी, और बीच में क्या है, एक टेबल है, ठीक है, कहाँ की तरफ है, सी की तरफ. ही वियर्स ए डिनर जैकेट, उसने मतलब अपना नाइट सूट पहना हुआ है. सो ही इज़ एन एल्डरली मैन, एक बुजुर्ग सा ही आदमी दिख रहा है, मतलब बुजुर्ग नहीं कि वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा है, बट ही इज़ एल्डरली, मतलब ही मे बी 60, 62, 63 इस एज का है. ऑब्वियसली अ लॉयर, ये लॉयर है. विद अ कीन बट काइंडली फेस, मतलब एक बहुत ही मतलब फेस जो है उनका, फेस से तो उनकी काइंडनेस झलक रही है कि मतलब वो बहुत ही सॉबर है, काइंड है, अच्छे हैं, लेकिन एक शार्पनेस भी है उनके फेस में जो कुछ मतलब दर्शा रही है कि मतलब ये इंसान जो है एकदम तेज़ बुद्धि वाला है, मतलब शार्प माइंडेड है, ठीक है. सो ऑल द अदर साइड ऑफ द टेबल, नॉट अ वेरी लार्ज वन, इज हिज गेस्ट. और जो दूसरे साइड टेबल पे जो बैठा है, जो बहुत ही बड़ा टेबल नहीं है, वहाँ पे जो बैठे हुए हैं वो उनके गेस्ट हैं, विलियम ब्रॉडी. कौन है गेस्ट, विलियम ब्रॉडी, जो क्या है, जो हमने ऊपर देखा था, वो एक स्कॉटिश लैंडलॉर्ड है, ठीक है. सो हु इज़ ऑल्सो इन अ डिनर जैकेट, मतलब उन्होंने भी नाइट सूट पहना हुआ है, या जो मतलब खाने के टाइम पे जो बाहर के लोग होते हैं यूजुअली वो हर एक टाइम पे अपना ड्रेस चेंज करते रहते हैं, जैसे नाइट सूट अलग हो गया तो जब वो अपने घर में होंगे तो अलग सूट होंगे, जब बाहर होंगे तो कोई अलग कपड़े पहने, मतलब हर एक ओकेजन वाइज या जो काम है जिस हिसाब से उसके हिसाब से उनके ड्रेसेस भी होते हैं, ठीक है. सो ही इज़ अ यंगर मैन दैन फिनहॉर्न, तो ये विलियम ब्रॉडी जो है ये फिनहॉर्न से थोड़े छोटे हैं, थोड़े यंग हैं, एंड बिलोंग्स टू द सेम क्लास अपर मिडिल एज हिज होस्ट, और दोनों ही सेम क्लास को बिलोंग करते हैं. यहाँ पे क्लास डजंट मीन के फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, टेंथ, ट्वेल्थ या ग्रेजुएशन में, ये वो वाली क्लास नहीं है. दिस इज़ के मतलब वो अमीर हैं या वो गरीब हैं, जो क्लासेज हमारी सोशल क्लासेज होती हैं, जैसे हम बोलते हैं ये पुअर क्लास को बिलोंग करता है, ये मिडिल क्लास को बिलोंग करता है, ये रिच क्लास को बिलोंग करता है, या हाई क्लास को बिलोंग करता है, ये वो वाली क्लास है, ठीक है. मतलब वो दोनों ही अपर मिडिल, मतलब जो मिडिल क्लास की जितनी इनकम होती है उससे थोड़ी उनकी इनकम ज़्यादा है, तो वो अपर मिडिल क्लास के हैं. मतलब अमीरों भी में भी नहीं गिने जाते हैं, गरीब तो हैं ही नहीं, मिडिल क्लास में भी नहीं, मिडिल क्लास से थोड़ा सा उनका जो रुतबा है वो बढ़ के है, ठीक है. सो दोनों का ही. सो As the curtain rises, there is a moan of a dying wind. जैसे ही पर्दा हटता है तो एक आवाज़, moan मतलब होता है जैसे हल्के हल्के से कोई आवाज़ आ रही है, and dying wind मतलब जो पहले बहुत तेज़ चल रही थी अब वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, ठीक है. So judge, the wind is dying down. वो जज क्या बोलता है कि हवा जो है आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, डाई हो रही है, डाइंग डाउन है, ठीक है. मतलब जो जितनी पहले उसकी रफ्तार थी, तेज़ी थी या शोर था, वो अब आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है. ब्रॉडी राइजेज एंड गोज टू विंडो आर, वो उठता है और वो कहाँ पे जाता है, जो खिड़की है आर है वहाँ पे. देन पेयरिंग थ्रू कर्टन्स, और पर्दों के बीच में से जागता है, ठीक है. देन येस बट इट डजेंट लुक टू गुड, लेकिन हवा तो मतलब कम हो रही है लेकिन मतलब इतना कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है. जज नो इट सेल्डम डज इन दीज पार्ट्स, नहीं ऐसा कभी कभी ये जो एरियाज़ हैं, ऐसे एरिया होते हैं मतलब जो दूर दराज इलाके होते हैं, पहाड़ी इलाके होते हैं, उनमें ऐसा होता रहता है. तो जज इसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं. ब्रॉडी पुटिंग बैक कर्टन्स स्लाइटली शिवर्स, वो पर्दे वापस रखता है, लगा देता है, और थोड़ा सा उसको घबराहट सी होती है, थोड़ी शिवरिंग सी महसूस हो रही है. नो, और वो क्या बोलता है, नहीं. जज स्माइल्स एज ब्रॉडी रिटर्न्स टू हिज चेयर, और जज जो हैं वो स्माइल करते हैं, कब स्माइल करते हैं, जब ब्रॉडी उस खिड़की से वापस अपनी चेयर पर आ रहे होते हैं. टू ईरी फॉर यू एट नाइट, दिस प्लेस बिकम्स वेरी आइसोलेटेड डिस्पाइट, वेविंग हिज हैंड, डिस्पाइट इलेक्ट्रिक लाइट
telephone, wireless and so on. I am very seldom honored by the presence of ladies and my Edinburgh mates politely refuse to come. तो फिर वो उसको बोलता है व्हाट अबाउट अ ग्लास ऑफ पोर्ट, मतलब वाइन वगैरह पीने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है. देन ब्रॉडी थैंक यू जज, और वो शुक्रिया अदा करता है जज. 1900 ही पेयर्स आउट टू ग्लासेस ऑन द सी टेबल, वो जो सी के पास टेबल है वहाँ पे वो दो ग्लासेस निकालता है. आई हैव ऑलवेज फाउंड ओल्ड वाइन अ गुड क्योर फॉर रॉ नर्व्स, मतलब जब इंसान को डर लग रहा होता है तो मुझे लगता है ये कौन बोलता है, ये जज बोलता है उसको. तो वाइन जो है उस टाइम पे बहुत अच्छा काम करती है, मतलब वो जो डर वर है वो सारा निकल जाता है दिल से. जज सिट्स डाउन एंड दे टोस्ट ईच अदर, बैठते हैं और वो जो मतलब ग्लासेस होते हैं वो एक दूसरे के साथ कराते हैं. ब्रॉडी गुड लक जज, एज ब्रॉडी इज अबाउट टू रेज हिज ग्लास अगेन द सेंटर डोर इज साइलेंटली ओपन. तो जैसे ही जो ब्रॉडी है वो अपना ग्लास उठाने की कोशिश करता है, तो कोशिश क्या करता है, वो अपना ग्लास उठाता है तो सेंटर डोर जो है वो खुल जाता है. देयर एंटर्स वेरी क्वाइटली जीन लोमैन, और बहुत ही आहिस्ता से वहाँ पे कौन एंटर करती है, जीन लोमैन, जो कि एक गरीब वहाँ पे जो मतलब मजदूर है लेडी है वो आती है. शी इज़ अ मिडल एज्ड वुमन ऑफ पीजेंट अपेयरेंस, शी इज़ डार्क स्टेटली स्टर्न विद एन एयर ऑफ डिस्टिंक्शन, शी वियर्स अ कर्चीफ राउंड हर हेड, शी शट्स डोर क्वाइटली एंड स्टैंड्स मोशनलेस फॉर अ सेकेंड. तो वो जो लेडी अंदर आती है, जो जीन लोमांड है, वो पीजेंट टाइप की ही दिख रही है, मतलब ऐसे लग रहा है कि बहुत गरीब है वो डार्क कॉम्प्लेक्शन की है. तो वो जब अंदर आती है तो ऐसे लग रहा है जैसे मतलब उसके चेहरे से ही लग रहा है कि कुछ अजीब सी बात है. उसके सर पे उसने एक कपड़ा बांधा हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड करचिफ, जो हम हाथ में छोटा सा एक हैंकी रखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड हैंडकरचीफ. करचिफ का मतलब होता है कपड़ा, एक कपड़े का टुकड़ा, ठीक है. नो ये इट कैन बी नेक करचिफ, इट कैन बी हैंडकरचिफ. नाउ हियर शी इज़ वेयरिंग अ हेड कर्च, एक करचिफ राउंड हर हेड. तो सर पे उसने एक कपड़ा बांधा हुआ है, और वो बहुत ही आहिस्ता से दरवाज़ा बंद करती है और खड़ी हो जाती है बिल्कुल हिले डुले कुछ सेकेंड के लिए. ब्रॉडी हैज़ रेज्ड हिज ग्लास टू हिज लिप्स, ब्रॉडी ने वो जो वाइन का ग्लास होता है अपने होंठों तक लाया ही होता है. जज डूइंग सेम व्हेन ब्रॉडी सीज जीन, और जज भी वो जो अपना वाइन का ग्लास है वो उसने होंठों तक लाया होता है जब ब्रॉडी जीन को देखता है, जीन लोमांड को. सो ही जंप्स, गुड गॉड, और वो अचंभित हो मतलब हैरान हो जाता है, या मतलब कश्मीरी में अगर हम बोलें कि सोचो व्हाट कर रहा है, ये क्या है. ही राइजेज एंड स्टेयर्स एट द वुमन, वो खड़े हो जाता है और उसको देखता है. जज एह, ही लुक्स राउंड एंड ऑल राइजेज, बोथ ऑफ देम पुटिंग डाउन देयर ग्लासेस, शी स्टैंड्स सी बिहाइंड द टेबल मोशनलेस. जज एड्रेसेस हर, हु आर यू, तो वो दोनों खड़े हो जाते हैं, जज भी और जो उसके फ्रेंड होते हैं वहाँ पे ब्रॉडी भी, दोनों खड़े हो जाते हैं कि मतलब ये क्या, ये लेडी यहाँ कहाँ से आ गई. तो जज उसको पूछता है कि मतलब तुम कौन हो. सो जीन शी इज़ वेरी कर्टसियस, मतलब बहुत ही अपना काइंडनेस दिखाते हुए, बहुत ही शुक्रिया अदा करते हुए, जैसे वो बहुत ही शुक्रगुजार हो उनकी, ऐसे खड़ी हुई है. लोमोंड, मिसेस जीन लोमोंड इज़ माय नेम, माय लॉर्ड, शी स्पीक्स स्लोली एंड विद डिग्निटी, वो बहुत ही इज्जत दे के जज के साथ बात करती है और अपना नाम बताती है, मेरा नाम लोमोंड है, मिसेस जीन लोमोंड हूँ मैं, और बहुत ही आराम से उनके साथ बात करी है. जज ग्रेवली, हाउ डिड यू गेट इन हेयर, तो वो बहुत ही मतलब इससे पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आई. जीन आई जस्ट केम बाय द डोर, और जीन क्या बोलती है, मैं तो दरवाजे से आई. एंड जज विदाउट नॉकिंग, और जज बोलता है तुमने नॉक नहीं किया, तुम बिना नॉक किए अंदर आई. जीन विदाउट नॉकिंग माई लॉर्ड,
और बोलती है हाँ मैं विदाउट नॉकिंग अंदर आई हूँ, मैंने दरवाजे पे दस्तक नहीं दी। देखिए जब जब भी हम किसी के रूम में एंटर करते हैं या किसी के घर में जाते हैं तो पहले वी शुड ऑलवेज नॉक एट द डोर, हमें नॉक करके अंदर जाना चाहिए। तो ये और बाहर तो मतलब जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं तो अगर कोई एक रूम से दूसरे रूम में जाता है और वहाँ पे कोई बैठा हुआ है, अपनी स्टडी में बैठा हुआ है या अपने बेडरूम में बैठा हुआ, तो पहले हमेशा नॉक करके जाते हैं। तो ये पूछ रहा है कि तुम यहाँ पे आई, हमसे मिलने आई हो और तुमने डोर नॉक नहीं किया। जज अनयूजुअल बिहेवियर इजंट इट, मतलब ये अनयूजुअल है, ऐसा होता नहीं है, जब भी हम कहीं जाते हैं तो हमें नॉक करके जाना चाहिए। जीन विदाउट बाजिंग अनयूजुअल इट इज़ माई लॉट, अ पॉज, और ये क्या बोलती है, हाँ अनयूजुअल तो है, और फिर चुप हो जाती है, रुकती है। यू रिमेंबर मी मे बी माई लॉट, और चुप होके क्या बोलती है, क्या आपको मैं याद हूँ, शायद आपको मैं याद हूँ। जज आई डू, तो जज बोलते हैं हाँ हाँ कुछ तो। ब्रॉडी आई रिमेंबर यू टू, ब्रॉडी बोलता है हाँ मुझे भी कुछ याद आ रहा है, मुझे भी तुम याद हो। जज You are the mother of Hector Lamont and you gave evidence at his trial. तो बोलती है हाँ तुम तो वो लोमॉन्ट जो मतलब जिस पे केस चल रहा था, तुमने विटनेस दिया था, तुमने सबूत पेश किए थे उसकी ट्रायल में। सो जीन आई एम हिज मदर एंड आई गेव एविडेंस एट हिज ट्रायल, और ये बोलती है मैं उसकी माँ हूँ और मैंने ही एविडेंस दिया था वहाँ पे। ब्रॉडी What is your, where is your son? तुम्हारा बेटा कहाँ है? जीन He left for Canada yesterday, sir. वो तो कल Canada के लिए निकल गया। जज How did you get here? तुम यहाँ कैसे आए? जीन I walked. मैं चल के आई। जज All the way from the bay. तुम इतनी दूर से, तुम बे से चल के आई, मतलब जहाँ पे सी शोर है वहाँ से चल के आई। जीन Yes. जज यू मस्ट बी टायर्ड, प्लीज सिट डाउन। तो जज उसको बोलता तो तुम थक गई होगी, इतनी दूर से चल के आई हो, तुम नीचे बैठो। जीन थैंक यू माई लॉर्ड बट आई वुड रादर स्टैंड, थैंक यू शुक्रिया अदा करते हुए बोलती है कि मैं खड़ी ही रहूँगी। जज नो नो एंड ही प्लेसेस हिज चेयर फॉर हर, और अपनी कुर्सी उसको देते हुए बोलते हैं शी सिट्स डाउन विद डिग्निटी, और वो बड़े ही इज्जत से वहाँ पर बैठती है। जज स्टैंड्स आर फेसिंग हर, वाई हैव यू कम हेयर, अब वो आर तक जाते हैं और अपना उनका फेस कहाँ की तरफ होता है, इस लेडी की तरफ, और उसको पूछते हैं तुम यहाँ क्यों आई हो। जीन टू थैंक यू माई लॉर्ड, तो जीन बोलती है मैं आपका शुक्रिया अदा करने आई हूँ। जज फॉर वॉट, किस लिए? जीन फॉर फ्रीइंग माई सन फ्रॉम द गैलोज, तो आपने मेरा जो बेटा है उसको आपने मतलब अरेस्ट होने से, उसको मतलब जो वो बिहाइंड द बार्स चले जाता, मतलब या जेल जाने से उसको बचा लिया आपने। जज आई डिडंट फ्री हिम, द जूरी फाउंड हिम नॉट गिल्टी एंड देयर फोर आई हैड नो ऑल्टरनेटिव बट टू सेट हिम एट लिबर्टी। तो जज बोलते नहीं, जो जूरी थी उसको लगा कि वो गिल्टी नहीं है, उसने कोई गलत काम नहीं किया, इसलिए मेरे पास और कोई चारा नहीं था तो मैंने उसको फ्री कर दिया, मैंने उसको आज़ाद कर दिया। जीन इट वॉज यू माई लॉर्ड एज सून एज यू एंटर द कोर्ट एंड सैट डाउन ऑन योर सीट ऑफ जस्टिस यू लुक्ड एट हेक्टर एंड आई सेड टू माई सेल्फ माई सन इज सेफ। तो ये बोलते नहीं, ये आप हो, आपने उसको रिहाई दी है, क्योंकि जैसे ही आप कोर्ट के अंदर आए और अपना जो आपका जो सीट था, जो आपकी चेयर है वहाँ पर, जहाँ पर बैठ के आप जस्टिस करते हैं, आप इंसाफ करते हैं, जब आप वहाँ पे बैठे आपने हेक्टर को देखा और तभी मेरे दिल ने मुझे बोला कि मेरा बेटा अब सेफ है। जज मिसेस लोमॉन्ट आई ऑट टू पॉइंट आउट टू यू दैट आई नेवर डिस्कस एनी केसेस पर्टिकुलरली क्रिमिनल केसेस एंड अबव ऑल अ ट्रायल फॉर मर्डर विद एनी इंटरेस्टेड पार्टीज। तो बोलते हैं देखो मैं ऐसी बातें जो हैं ये कोर्ट के जो केसेस होते हैं और जो क्रिमिनल केसेस होते हैं मैं उनको कभी भी डिस्कस नहीं करता हूँ। अलाउ मी हाउएवर टू से दिस, लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ आई हैड नो प्रेजुडिस वन वे और द अदर,
Your son was found not guilty by the jury and so I set him at liberty. तो ये बोलते हैं मुझे कोई प्रेजुडिस, मतलब मुझे कोई ऐसा कोई पहले से ख्याल नहीं था कि ये ऐसा कर सकता है या नहीं कर सकता है, तो ऐसा मुझे कुछ भी नहीं था, लेकिन जो जूरी थी उसको लगा कि तुम्हारा बेटा बेकसूर है, इसलिए उसको हमने रिहा कर दिया. सो जीन, यू सेव्ड माई सन. लेकिन जीन फिर भी क्या बोलती है, लेकिन आप ही ने मेरे बेटे को बचाया है. जज, वेरी वेल, एंड यू केम ऑल दिस लॉन्ग वे एंड ऑन सच अ नाइट टू टेल दिस टू मी. तो बोलते हैं अच्छा ठीक है मैंने बचाया, लेकिन अब तुम इतनी दूर से सिर्फ ये बोलने के लिए आई हो कि मैंने तुम्हें तुम्हारे बेटे को बचाया. जीन, येस, एंड आई एम ब्रिंगिंग यू माई लॉर्ड फॉर यू एंड योर फ्रेंड ए बास्केट फुल ऑफ सी ट्राउट. और जीन उसको बोलती है जी मैं आपसे मिलने आई और मैंने आपके लिए एक बास्केट लाया है जिसमें कि जो भरा हुआ है, मतलब एक टोकरी लाई है जिसमें कि सी ट्राउट्स हैं. ठीक है, ट्राउट इज़ अ फिश. ठीक है, तो वो सी ट्राउट्स जो समुद्री ट्राउट है मैंने आपके लिए वो लाई है वहाँ से. ठीक है, सो वी विल कंटिन्यू इट टुमारो. दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ. सो जज क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं टू ईरी फॉर यू, ये तुम्हें ऐसा लग रहा है, मतलब डरा देने वाला तुम्हें महसूस हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. ये जगह जो है एट नाइट दिस प्लेस बिकम्स वेरी आइसोलेटेड. ये जगह जो है रात को वैसे ही आइसोलेटेड हो जाती है, अलग थलग सी पड़ जाती है. और वो अपने हाथ को वेव कर रहा है, वे मतलब ऐसे हिला रहा है. डिस्पाइट लाइट, टेलीफोन, वायरलेस एंड सो ऑन, मतलब ये सब चीज़ें होने के बावजूद भी यहाँ मतलब अलग थलग सा ही महसूस होता है. आई एम वेरी सेल्डम ऑनर्ड बाई द प्रेजेंस ऑफ लेडीज एंड माई एडनबर्ग मेट्स पोलाइटली रिफ्यूज टू कम. और यहाँ पे बहुत कम ऐसा होता है कि मतलब मेरी कोई फ्रेंड्स जो हैं या जो लेडीज़ हैं वो आती हैं, और जो मेट्स हैं मेरी वो भी यहाँ आने से मना करती हैं. सो ब्रॉडी, आई लाइक द प्लेस. और ब्रॉडी क्या बोलते हैं कि मुझे ये जगह पसंद है. जज, इट इज़न्ट एवरीबडीज कप ऑफ टी बट इट इज़ अ चेंज फ्रॉम टाउन एंड आई फाइंड आई कैन म्यूज अवे द डेज वेरी प्लेजेंटली. और तो जज इसको बोलते हैं कि यहाँ पे हर कोई नहीं रह सकता, मतलब ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन में रहना, इट इज़न्ट एवरीबडीज कप ऑफ टी, मतलब हर कोई यहाँ पे आके रह नहीं सकता है, मुश्किल ही है. लेकिन मैं यहाँ मतलब टाउन से आता हूँ, सिटी से आता हूँ, थोड़ा सा चेंज करने के लिए आता हूँ और कुछ दिन यहाँ पे गुजार के वापस चला जाता हूँ. ठीक है, सो ब्रॉडी एंड द नाइट्स, और रातों के बारे में क्या ख्याल है, दिन तो गुजर जाते हैं तो रातों का क्या ख्याल है. जज, ऑन सम नाइट्स आई कन्फेस आई बिकम अ किड अगेन एंड आई हियर स्ट्रेंज साउंड्स इन द ग्लेन. और ये बोलते हैं कि कुछ रातें मैं कन्फेस करता हूँ, मैं ये मानने को तैयार हूँ कि मैं फिर से बच्चा जैसा बन जाता हूँ, और मतलब वो जो इमेजिनेशन होती है बच्चे की कि कहीं से कोई आवाज़ आ रही है, कोई चल रहा है, कुछ ऐसा है, तो मुझे भी बिल्कुल वैसा ही लगता है. देन ब्रॉडी, मैनी लीजेंड्स. तो वो बोलते हैं हाँ यहाँ तो बहुत सारे लेजेंड्स होंगे. जज, लेजेंड्स मतलब जो अपने काम में माहिर होते हैं. ठीक है, तो ये जो यहाँ पे कन्वर्सेशन हो रही है, चूँकि इन्होंने दिखाया है ये दूर दराज का इलाका है, थोड़ा डरावना सा लग रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे इनको थोड़ा जो हम बोलते हैं मतलब आत्मा वगैरह ऐसी जैसी चीज़ों का यहाँ पे कन्वर्सेशन है कि शायद यहाँ कुछ ऐसे सोल्स प्रेजेंट हो सकते हैं कि जो कि लोगों को डराते होंगे. जज, Plenty. Would you like to hear some of them? तो जज बोलते हैं हाँ यहाँ तो बहुत सारे ऐसे लेजेंड्स होंगे, तो क्या तुम किसी की आवाज़ सुनना चाहते हो. ब्रॉडी, No, thank you very much. Both laugh. और ब्रॉडी क्या बोलते हैं, नहीं नहीं जी मुझे किसी की आवाज़ नहीं सुननी है, और दोनों हंसते हैं. Tomorrow, if you like, not tonight. वो बोलते हैं नहीं आज नहीं सुनवाऊँगा, कोई बात नहीं, कल सही, आज नहीं. जज, वेल आई एम यूज टू दिस प्लेस बट आई एडमिट दैट टू नाइट इज जम्पी, इट्स परहैप्स दैट वेरी पिक्यूलियर विंड वी हैव हैड ऑल डे. तो जज बोलता है मैं इस जगह पे आता हूँ, मैं रहता हूँ यहाँ पे, लेकिन मैं भी एडमिट करता हूँ, मैं भी मानता हूँ कि आज की जो रात है वो कुछ जम्पी है, मतलब कुछ डरा देने वाली है, कुछ अजीब सी
रात है, नॉर्मल नहीं है जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ और नॉर्मली फील करता हूँ, ऐसा आज यहाँ पे मुझे भी कुछ लग रहा है। इट्स परहैप्स दैट वेरी पिक्यूलियर विंड वी हैव हैड ऑल डे, और ये सोचता है कि शायद पूरा दिन, परहैप्स शायद कि शायद पूरा दिन यहाँ मतलब हवा चल रही थी, शायद इस वजह से हमें ये माइंड में ख्याल आ रहे हैं। देन ब्रॉडी, बट यू रादर लाइक लोनलीनेस, तो ब्रॉडी जज को बोलते हैं लेकिन तुम्हें तो अकेलापन पसंद है, तुम्हें अकेला रहना पसंद है। जज, गुड थिंग फॉर मी, आई डू, वो बोलते हैं हाँ मुझे तो पसंद है, मुझे अच्छा लगता है। एनी जज इज अ सॉलिटरी सॉर्ट ऑफ फेलो, यू हैव नो आइडिया हाउ लोनली अ जज फील्स ऑन द बेंच। तो सो जज बोलता है हाँ मेरे लिए तो अच्छा ही है, मैं मतलब मेरे आसपास तो ज़्यादा लोग नहीं होते हैं, मैं तो अलग थलग ही होता हूँ। एंड यू हैव नो आइडिया, तुम्हें क्या आइडिया, तुम्हें क्या अंदाज़ा है कि जज अपने बेंच पे, अपनी कुर्सी पे जब होता है तो कितना अकेला महसूस करता है। मच मोर लोनली दैन द लैड इन द डॉक अपोजिट हिम, और कितना इतना अकेला कि